बैकग्राउंड इसका कुछ चमक रहा है लाइट में एक ही बार पूरा जल जाता है न वो ठीक रहता है उसमें ज़्यादा ही हाँ ही रिफ्लेक्ट कर रहा है न दिक्कत नहीं थोड़ा सा आँख इससे ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन दे रहा है न ब्लैक हो गया पी डी है अच्छा इस पर देखेंगे हम चाहे इसी में में हमारे में है है ना आप लोग इस पर देखिएगा आप लोग रिफ्लेक्शन नहीं ना है चलिए थोड़ा ऐसे ही चलाओ हो ऐसी चल रहा है इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही चल रहा है तो छोड़ दीजिए थोड़ा सा गलत जगह पर लाइटों लगा है ना उधर से रहता ना अच्छा चलिए कोई बात नहीं अभी देखिए हार्ड कॉपी इसमें आप लोगों को नहीं मिला है हार्ड कॉपी वाला कुछ ज़्यादा चैप्टर चलेगा ना तो वो ठीक रहेगा उसमें किया जाएगा हाँ, हाँ हार्ड कॉपी ठीक रहेगा पहले हम आप लोगों से बनवाएंगे, है ना? हाँ उसे पर, हाँ तो थोड़ा सा ये आप लोगों को हम बता चुके हैं पढ़ा चुके हैं इसमें अगर कहते हैं कि में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है है ना? अगर हम कहते हैं कि यह सुझाव कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के भिन्न भिन्न दरों को विकसित करते हैं हम आप लोगों को बता देते हैं कि दो बताए हुए हैं दो कंसेप्ट है जिसमें एक है इंट्रापर्सनल है ना इनर पर्सनल माना अंत व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक है ना जिसमें एक क्या होता है कि एक अलग अलग बच्चों में जो विभा विकास का जो दर होता है वो भिन्न भिन्न होता है एक होता है एक ही बच्चे में भिन्न भिन्न होता है है ना तो शरीर के विभिन्न अंग मतलब एक ही बच्चा हुआ विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं तो एक आयामी है कहना एक आयामी तो गलत है बिल्कुल गलत है बहु बहुआयामी है एक दिशी है नहीं ये भी गलत हो जाता है अब विकास एक असतत प्रक्रिया है नहीं ये तो गलत हुआ ना सतत प्रक्रिया है है ना तो ये क्या कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा विकास एक अधोगामी शीर्षगामी है ना तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर डी हो गया दूसरा क्वेश्चन अगर हम कहेंगे ओ सॉरी कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है बच्चों का विकास एक सामाजिक आप लोग पहले आप लोग बता लीजिएगा उसके बाद हम बताएंगे। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है बचपन वह अवधि है जिसे दस भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है बच्चों की सोच सामाजिक अंतक्रिया से प्रभावित नहीं होती है और बच्चों का विकास केवल अनुवंशिकता पर आधारित होता है तो आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है तो समान रूप से कहा जाता है कि थोड़ा सा दुष्पर जो सोचना है दिमाग लगाना है ऐसे भी जानते हैं कि पर्यावरण अनुवंशिकता बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं तो यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग होने से ये गलत हो गया सामाजिक अंत क्रिया से प्रभावित नहीं होती है ये तो गलत है वाइगोष्ठ की कहते हैं कि सामाजिक अंत क्रिया होती है समाजीकरण में आप लोगों को बताए हुए हैं बचपन के अवधि को दस विभिन्न अवस्थाओं में कैसे बटा जा सकता है जबकि पूरी अवस्था को ही हम चार भागों में बांटते हैं ए? और बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है है ना तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो ये सबसे हमारा उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा आ जाओ कैसे पता मिला तुमको हाँ अच्छा बैठो बैठो वो सौरभ भी आया है बोल रहा था आने के लिए सौरभ सौरभ पहचानते हो उसको अरे दाढ़ी रखे वो टीका लगाता है गोरे गोरे है नहीं तुम लोग को बैच के नहीं अच्छा चलो ठीक है बैठो तीसरा है ना जी अच्छा चलो वहाँ देख रहे हैं अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है अब कहते हैं अनुवांशिक विन्यास ये क्वेश्चन जो है आपके हेरिडिटी जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं अनुवंशिकता में होता है है ना अनुवंशिकता चैप्टर में अनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव तो कहता है कि अनुवंशिकता में विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है विन्यास के पूर्व तो एक कहता है कि अनुकूलन होता है दूसरा कहता है अधिगम होता है तीसरा कहता है समाजीकरण होता है तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो कहते हैं कि ये कहता है अनुवांशिक विन्यास विन्यास दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट से रिलेटेड है कि पूर्व निर्धारित रूप में उससे पहले के रूप में प्रक्रिया क्या कहलाती है तो अनुवांशिकी से अधिगम का कोई और समाजीकरण तो हट गया है ना और हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो अगर कहते हैं परिपक्वता अनुवंशिकता में परिपक्वता अंत में होता है ना है परिपक्वता कहाँ होता है अंत में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुकूलन करेगा है ना तो अनुकूलन करेगा उसके बाद में ना परिपक्वता होगी तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे प्राथमिक और विद्यालय देखो यहां से तुम लोग को बढ़िया दिख रहा है ना हाँ थोड़ा सा समाजीकरण का प्राथमिक समाजीकरण प्रक्रिया हम समाप्त किए हैं तुरंत और आप लोगों को बताए हुए हैं कि प्राथमिक कौन है और द्वितीय कौन है तो स्पष्ट है हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ हो जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा मीडिया परिवार विद्यालय मीडिया और मीडिया पास पड़ोस इस तरह का अगर हम करेंगे तो इतने हो ही नहीं सकता है ऐसा नहीं होगा गलत हो जाएगा तो एब्सोल्युटली हम आप लोगों को कल बताए भी हैं कि क्या हो जाएगा तुम्हारे पर है क्वेश्चन किसे हो गया ओ ग्रुप में था चलो अगला क्वेश्चन है हाँ ये तो पढ़ाए नहीं है लेकिन बताएंगे तुम लोग को कोहलबर्ग के अनुसार सात आठ वर्षीय बच्चे में नैतिक लेने का आधार क्या है है ना? पढ़ाई तो नहीं है डी क्यों बोल रहा है वही जानता है ना है? है? देखो लॉरेंस कोहलबर्ग जो बताता है वो चार से दस दस से तेरह और तेरह से ऊपर है ना होता है ना सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अलग अलग कंडीशन है बताए नहीं है लेकिन परंपरागत पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत है ना ऐसी नहीं काम कर रहा है काजी पूर्व परंपरागत परंपरागत व्यवस्था में अगर कहेंगे तो इसमें दो अवस्था है है ना एक क्या होता है दंड और पालन है ना और दूसरा क्या होता है प्रतिफल के बारे में यानी कि आत्मा अभिरुचि और प्रतिफल तो आत्माभिरुचि और प्रतिफल तो नहीं है और ये कहते हैं कि सात आठ वर्षीय बच्चा सामाजिक व्यवस्था से जुड़ता बहुत कम है सामाजिक अनुबंध तो अंत में होता है दंड पालन और सार्वभौमिक तो आपका सबसे सही उत्तर क्या होगा दंड और ज्ञा पालन हम आप लोगों को इसके बाद वही पढ़ाने वाले हैं तीन स्टेज होता है पूर्व परंपरागत परंपरागत और उत्तर परंपरागत दंड अज्ञा पालन और क्या होता है आत्म अभिरुचि प्रतिफल क्या जी यही होता है ना आत्म अभिरुचि और प्रतिफल इसे संबंधित होता है क्या जिन पियाज़े में सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने में अब देखिए यहाँ पर कहता है क्रमबद्धता जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता है ना हम कहते हैं ना कि जिन प्याज़े के संबंध में हमने बताया कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया है ये बताएंगे सबसे पहले बच्चा क्या करता है सबसे पहले जो बच्चा होता है ना किसी वस्तु को पहचानता है उसके बाद में क्या करता है उसमें विभेद करता है अंतर करता है और क्रमबद्धता और स्पष्टता उसमें लाता है कि ये सिक्वेंटली ऐसे अरेंज होगा है ना तो उसके अनुसार ये कहते हैं कि किस संदर्भ में प्रयोग किया वस्तुओं का किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना परिप्रेक्ष्य में लेने की क्षमता चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है अस्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय करने की क्षमता तो अगर हम कहते हैं क्या होना चाहिए चिंतन अब देखिए यहां पर हम अगर कहते हैं कि चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है स्थानों जैसे ये अगर सिंपली कहा जाए तो सब में है है ना अगर कहा जाए कि तो बालक लंबाई के क्रम में भी करता है है ना भार के क्रम में करता है अनुपात के क्रम में करता है इस संबंध में भी करता है लेकिन क्रमबद्धता रखने के सीक्वेंस अगर ये कहा जाए दूसरों को परिप्रेक्ष्य लेने में नहीं होगा इसको हम हटा देते हैं तीन विकल्प देते हैं स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्र करने की क्षमता ये भी उससे नहीं होता हम दो हटा देते हैं है ना तो दो हो गया वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना अचिंतन तो एक और दो सही है दोनों सही है तो इसमें अगर एक को हम करते हैं तो वो कुछ बेहतर होगा लंबाई जैसे हम कहेंगे कि लंबाई इतना चौड़ाई इतना इसका भार इतना इसका आयतन इतना इस संबंध में अगर हम कहते हैं तो ये कुछ ज़्यादा होता है नेक्स्ट पाँच वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि लंबा दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है जिन पियाजे के अनुसार इसकी सोच के पीछे कौन सा सतर्क है कौन सा तर्क है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है है ना इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है इसमें एक और उदाहरण हम देते हैं आप लोगों को आ, कल एक क्वेश्चन पूछा था बच्चा क्या क्वेश्चन पूछा जी जैसे कि हां एक, एक बच्ची ऊंट हाँ, को देखने के बाद एक बच्ची ऊंट को देखने के बाद उसे कुबड़ वाला जानवर कहती है कुबड़ वाला जानवर कहती है तो दैट मीन्स ये हाइपोथेटिकल कह रहा है कि कुबर वाला जानवर है और कुबर वाला जानवर के आधार पर फिर उसके बाद में उसकी दूसरे की परिकल्पना करती है है ना तो कुबर वाला जानवर उसको समझती है जैसे कि हम कहते हैं ना मूछ वाला व्यक्ति मूछ वाला व्यक्ति पूँछ वाला जानवर कुबर वाला जानवर तो अब हम कहते हैं कि इसके पीछे उसका तर्क कौन सा है अब नहीं एक मिनट अगर कहते हैं कि इसमें ये क्या तर्क देना चाहती है जीववाद जीववाद कहने का मतलब है कि दैट मीन्स कि उसमें डेवलपमेंट उस का कंसेप्ट है ये कहते हैं जीववाद का होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे तो दूसरा है केंद्रीयता मतलब कि उसके सेंट्रलाइजेशन परिकल्पित निगमन उसके बारे में वो इस तरह का व्यू रखती है उस तरह का ये व्यू है और संक्रामक परिणाम निकालना तो मेरे ख्याल से अगर परिणाम निकालना कहें तो परिणाम नहीं निकल रहा है इसमें है ना? इसमें अगर हम परिणाम की बात करते हैं तो ये परिणाम निकालना उचित नहीं होगा ये गलत हो गया है ना जीववाद गलत हो गया परिकल्पित निगनात्मक और केंद्रीयता दोनों बातें सही होती है परिकल्पित निगनात्मक में कहेंगे कि वो एक तरह से अवधारणा है कंसेप्ट है कि इस गीली मिट्टी को हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं है ना क्योंकि स्पष्ट कर रहा है कौन क्या है गीली मिट्टी है तो इस तरीके से दोनों बातें अकेन्द्रियता में दैट मीन्स की दक्षता के बारे में बताया जा रहा है स्किल के बारे में बताया जा रहा है इसमें ऐसा किया जाएगा दोनों बातें सही है अगर कहा जाए चूंकि एक कहता जाता है कि पहला सही होता है तो उसको हम मानते हैं तो इस संदर्भ में अगर हम इसको कहते हैं तो सही है और ये परिकल्पित निगनात्मक में भी ये माना जा सकता है क्लियर है नेक्स्ट पहले इसको इस मारेंगे केंद्रीयता को माने हाँ केंद्रीयता को मानेंगे पहला हमारा आंसर वो सही होता है अब देखिए लेव वाय के संज्ञानात्मक विकास का विकास का सिद्धांत पर आधारित है ये तो बताने वाली बात नहीं है, है ना पढ़ाए नहीं है हम आप लोगों को लेकिन ध्यान सुन लो पहले अगर हम कहते हैं जीन पियाजे संगनात्मक विकास लॉरेंस कोहलवर्ग हम कहते हैं तो हमेशा नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा की बात करता है लेकिन अगर हम कहते हैं कि जी लेगोस्ट की तो सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विकास की अंत क्रिया अब देखो व्यवहारवाद है ना मनोविश्लेषण और सार्वभौमिकता थोड़ी दूर पर अगर देख पे हम कहते हैं सार्वभमिकता तो ये लोहर कह लेंस कोहलवर्ग के बारे में थोड़ा सा समय ये होता है मनोविश्लेषणात्मक कंसेप्ट जो होता है स्पष्ट कह रहा है कि वाई के संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास मतलब कि उसके चिंतन का तर्क का उसके स्मरण शक्ति का इत्यादि जो संबंधित होता है वो क्या होता है संज्ञानात्मक विकास होता है तो जिन जे कहता है कि विकास की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है वही कहता है कि नहीं सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई होता है और उसके सिद्धांत को भी क्या कहते हैं सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत सामाजिक शिक्षण का, का सिद्धांत तो इसलिए अगर दिए हुए विकल्प में हम अगर सबसे ज़्यादा सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो ये बेहतर होता है नहीं मनोविश्लेषणात्मक कहने का मतलब होगा सुनो संज्ञान का मतलब हुआ तर्क स्मरण की शक्ति कल्पना की शक्ति और मनोविश्लेषणात्मक स्थिति जो हुआ ना कि आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो आपका विश्लेषण की क्षमता उसके संबंधित आ जाता है है ना मतलब कि वो मंदबुद्धि है तीव्र बुद्धि है वो स्थिति क्या है उसके बारे में बताता है मतलब एक पार्टिकुलर उसका सेक्शन हो जाता है और ये क्या होता है वो एक पूरा सेक्शन जिसके अंतर्गत उसका विकास होता है वो सीखने का प्रयास करता है वो होता है अब देखो, ये रिपीट हो गया का। लेव ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया ये भी बताने जोग नहीं है है ना निजी संवाद उच्च स्वर में वार्ता पाढ़ स्व केंद्रीय वाद जो मतलब सो बोल दोगे <laughs> अरे पाड़ नहीं नहीं ऐसे मत बोलो पाड़ पाड़ मतलब जानते हो क्या होता है ये के फोल्डिंग है इन्हीं का है लेकिन ये बात नहीं है स्वयं से बात करता है ना तो ये इसके फोल्डिंग हो जाएगा है नहीं हो जाएगा सुन लो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा ये क्या हुआ एस का फोल्डिंग हो गया मतलब टेम्पोरली हेल्प है ना और ये क्या हो गया उच्च स्वर में वार्ता वार्ता से ऐसा उच्च नहीं कि उच्च स्वर से और निम्न स्वर में बोलता है तो दो को हमने हटा दिया अब बताओ निजी होगा कि स्व केंद्रीयवाद होगा स्व सुन लो लेगोस् ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए बच्चा स्वयं से बात करता है मतलब अंत वाक जिसको बोलते हैं स्वयं से बात करता है तो अगर वायगोष्ठकी की बात करते हैं तो बच्चा वायगोष्ठकी ने जो शब्द का प्रयोग किया उसको निजी संवाद कहते हैं है ना निजी संवाद अगर कहेंगे तो ये सबसे ज्यादा सही होगा स्व केंद्रीय बात दैट मीन्स कि वो एक प्रकार का अवधारणा हो गया एक सेंस हो गया कि हम एक माइंड सेट होता है उसको कहते हैं उससे संबंधित एक विचारधारा की बात होती है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है है ना आया हुआ है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है प्रगतिशील कक्षा ये कुछ ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना अयोग्यता आधारित अस्थाई अलगाव सहयोगी अधिगम पुरस्कार और दंड का प्रयोग देखिएगा जब प्रगतिशील कक्षा है प्रोग्रेसिव है क्या है प्रोग्रेसिव है इसको हटा दीजिए हाँ ये थो थोड़ा रह सकता है लेकिन इसको हटा दीजिए तो इसको हटा दीजिएगा तो ये तो भी ना हट जाएगा है ड्रिल और अभ्यास पर जोर थोड़ा सा मानते हैं आ देखिए कुछ शब्दों पर हम ध्यान देते हैं ये क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है जहाँ इंक्लूसिव होता है सेपरेशन कैसे होगा इंक्लूसिव में सेपरेशन नहीं होगा है ना? तो इस तरीके से कुछ ज्यादा देर खड़ा रहने पर चमकता ज्यादा है जी हाँ कुछ देखो यहाँ या, या, यहाँ से जो है ना, ना थोड़ा सा देखो यहाँ पर वहाँ पर ज्यादा ये, ये ये चार चार को जो लगा दिया है ना नीचे वाला ठीक था कुछ हद तक ठीक था एक एक तो लाइट नीचे से थोड़ा बढ़ा भी दिया है ना ये ये इस पर आ रहा है अब देखो तो हमने दो को हटा दिया क्वेश्चन हटाने का थोड़ा सा तरीका देखिए कि उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो अवांछित है डिजायरेबल नहीं है उसको अब दो है सहयोगपूर्ण अधिगम और ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना प्रगतिशील कक्षा अच्छा की निम्न निम में से कौन सी विशेषता है ये बात सही है ड्रिल और अभ्यास पर जोर दीजिएगा ये बिल्कुल सही है लेकिन जब आपके अधिगम में सहयोग की बात आएगी कहें कि प्रगतिशील है ना प्रोग्रेसिव है ना तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगा अधिगम पर जोर हो जाएगा एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है इंटेलिजेंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है देखिए हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का बिना ऑप्शन देखे हुए बुद्धि में एक अंत व्यक्तिक होती है बुद्धि है ना तो अंत व्यक्ति क्या हो जाएगा कि दूसरे को समझेगा हाँ और एक होता है अंतर व्यक्तिक जो स्वयं को समझेगा है ना यह अंतर हो जाता है बुद्धि में हार्डवर्ड गार्डनर का आप लोग पढ़े होंगे जो बुद्धि के सिद्धांत आठ प्रकार के बताया है है ना उसमें होता है कि स्टेटिकल होता है म्यूजिकल होता है लैंग्वल होता है मतलब अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बताया है तो अब अगर जैसे कहेंगे स्थान की संबंधी बुद्धि मतलब लोकल लेवल का इंटेलिजेंस उसका क्या है हम ना स्पेस में अगर जेट्स वो उड़ रहा है तो वहाँ के बारे में ना सोचेगा हम यहाँ पर जमीन पर बैठ के अंतरिक्ष के बारे में हम कुछ इस तरह का कल्पना कर सकते हैं रियलिटी उसमें नहीं होगा अब देखिएगा प्राकृतिक बुद्धि तो अगर हम पेड़ पौधों के बारे में हमारे यहाँ चीते आए हुए हैं उनके बारे में हम कुछ रखते हैं जानकारी रखते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में इको की हम अगर जानकारी रखते हैं तो ये क्या होगा प्राकृतिक बुद्धि ये क्या कहता है कि एक बचे दूसरे की नियत और इच्छा नियत और इच्छा स्पष्ट हो गया कि अपना नहीं है दूसरे का है इंटरपर्सनल है इंटरपर्सनल है है ना तो इसको हटा दीजिए है ना इसको भी हटा दीजिए अब दो में चुनाव कीजिए अंतरा व्यक्तिक है कि अंत व्यक्तिक है अंतरा तो अंतरा होगा तो सेल्फ में होगा तो क्या हो जाएगा है ना ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग इंफॉर्मेशनल टाइप का है तो आंखें खराब कर देगा जी देखो यहां से पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक बिद्यालेयों को विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए विद्यार्थी बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं और द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है बी अच्छा बोले बी होगा नहीं तो सी होगा यही ना होगा <laughs> 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 तो आंसर तो किसी एक ही पर ना नंबर मिलेगा जी देखो इस तरह का जब क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान रखोगे जैसे कहता है कि दो और दो क्या होंगे वास्तव में दो और दो चार होंगे लेकिन उस पैसेज में चार नहीं है पांच है तो तुम बोलो कि दो और दो मिलकर पाँच होंगे समझ गया ना हाँ तो यहाँ पर नेप 2020 क्या कह रहा है ये पढ़े हो कि नहीं ध्यान रखोगे समझ गया ना तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है इसी शब्द को पकड़ लो ये गलत बात है अब उसके मदर टंग में एजुकेशन देना होगा इसको हटाओ क्योंकि पूछ रहा है कि प्रस्तावित है ना अब देखो संज्ञानात्मक बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है बात सही है लेकिन नेप कहता है नहीं कहता है नेप इसके बारे में नहीं कहता है द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है ये कहाँ कहा है नेप नहीं कहा है इसके बारे में हटाओ इसको भी चार ऑप्शन दिया गया हटा दिया दो ऑप्शन बच गया अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ विद्यालयों में को विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है नेप कहता है हैं? क्या कहता है बाबू अब कहता है नेब कि मास्टर साहब अंग्रेज़ी बोलिए प्रस्ताव है समझ गया ना ये प्रस्ताव के अंदर प्रस्तावित किया गया है ये हाँ सुन लो पहले क्या कहता है माना नहीं है प्रोत्साहित करना चाहिए मास्टर साहब अंग्रेजी बोलेंगे अब अंग्रेजी के क्लास चलेगा मास्टर साहब लैपटॉप चलाएंगे है ना टेक्नोलॉजी के एजुकेशन दिया जाएगा टेक्नोलॉजी का एजुकेशन दिया जाएगा ऐसा प्रस्तावित किया गया है ऐसा करना है है ना अब ऐसे नहीं चलेगा जो मास्टर साहब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखेंगे असंभव है स्मार्ट क्लास चल रहा है है ना तो विद्या बहुभाषी होने को उच्च संज्ञानात्मक लाभ है ये प्रस्ताव कहाँ ये प्रस्ताव है ये तो एक स्टेटमेंट है ये तो विचार है नेप में इसको शामिल कहाँ किया गया है समझ गया ना अब कैंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी में यार तो तो लाभ कहता है कि इनका लाभ है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर से रिलेटेड बताओ तो जेंडर भूमिकाएं हैं अधिग्रहित व्यवहार जन्मजात व्यवहार जैविक संरचना और वान -वान -वान निर्धारित बट <laughs> कौन व्यवहार है नहीं देखो जेंडर भूमिका है अधिग्रहित व्यवहार जनजात व्यवहार जैविक संरचना आनुवांशिक निर्धारित देखो अगर मान लो कि अनुवंशिकता का प्रभाव पड़ रहा है है ना, उसके बेटा बेटी होने का लड़का लड़की होने का तो उसका दिमाग कुछ और लगा करके लड़का ही हो जाता लड़की ही हो जाती है ना? ऐसा कुछ इसमें नहीं है हटा दो एक जैविकी संरचना है इस बात को मानते हैं इस बात को, को मानते हैं जेंडर की भूमिका अगर कहा जाएगा कि जेंडर क्या है मतलब सेक्स क्या है तो केवल अगर पूछा जाए कि सेक्स क्या है ये है तो नहीं होगा ऐसे ही लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा है yes, इ नहीं ना होगा जन्मजात व्यवहार नहीं ना है ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब कभी कभी देखते हो ना लड़का लड़की की तरह लड़की लड़का की तरह मतलब उस तरह का ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है अब कहते हैं कि अधिग्रहित व्यवहार है हाँ इससे भी हम सहमत नहीं है अधिग्रहित व्यवहार कहने का मतलब कि वो लड़की है तो लड़की जैसा व्यवहार करेगा और लड़का है तो लड़का इसी का मतलब यही ना हुआ अधिग्रहित हो गया दैट मीन्स लड़का लड़की उसको एक ही तरीके से उसको मतलब ये करते हैं लेकिन चूंकि बाकी भी सब इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं करते हैं ए, है। हाँ तो सुन लो वो, वो भी बात है लेकिन यहाँ पर हम अगर कहते हैं कि जन्मजात को हमने हटा ही दिया है ना, और अनुवंशिकता को हटा ही दिया जैविक संरचना हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भूमिका आ गया है है ना हाँ, जेंडर सीधे होता तो एकदम हो जाता जैविक संरचना हो जाता लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि जेंडर भूमिकाएं आगे तो नहीं भी तो होते हुए भी इसको तो स्वीकार करना ही है यही हमारा आंसर होगा हाँ हाँ सतत हाँ। हाँ। एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है देखिए इस तरह का प्रश्न जो आता है ना बिल्कुल आपके एटीट्यूड से होता है कि आप कितना उस पर पकड़ रखते हैं और कितना उसके बारे में जानते हैं और व्यवहारिक ज्ञान कितना है क्वेश्चन का दो तीन प्रकार होता है एक होता है ना कि जैसे कि जैसे कि क्या कहते हैं उसका अपना कुछ सिद्धांत बेस होता है अगर हम कहते हैं छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना तो देखिए जब हम यहाँ पर कहते हैं ना एक इस सेंटेंस में है ना ये सही नहीं है है ना तुलना कभी नहीं किया जाता है छात्रों की समझ को आकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित थोड़ा सा मान लेते हैं छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना थोड़ा सा देखिए वर्गीकरण एक शब्द जो है ये होता है लेकिन प्रदर्शन के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं हम और छात्रों के किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना इसको बिल्कुल हटाइए क्योंकि इस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं दो शब्द हमको मिल गया है ना कुछ ऐसे आपका प्रैक्टिस करते करते कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो जाएंगे है ना दिमाग में कि वो शब्द आएगा तो एक नहीं इसको हटाओ और दो हटा दीजिएगा तब दो बच गया थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपका आंसर पूरा मिलना ही मिलना है है ना तो अब देखिए हमने तुलना को हटा दिया सफल और विफल को हटा दिया छात्रों क, अब दो हो गया बी और सी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार इसके अनुसार रूपांतरित करना सुन लीजिए पहले छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना और क्लासीफाई अगर आप करते हैं तो फिर क्या कहते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो उसका वायोलेशन होता है आप वर्गीकरण कहिए कि ई तेज विद्यार्थी है उधर बैठा हुआ विद्यार्थी मंद बुद्धि है यही ना है ना आप वर्गीकरण कीजिएगा तो वर्गीकरण हाँ थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये इसे वर्गीकरण को हम एक गुप्त रणनीति रखेंगे तो ये मान सकते हैं लेकिन दोनों को अगर तुलनात्मक रूप से कहिएगा तो आकना दिया हुआ है और इसको अनुसार रूपांतरित करना और समझ को तो इसके चलते हम इसको मानते हैं ये हमारा उत्तर हो सकता है यानी यही उत्तर है थोड़ा तो सा दिमाग लगाइएगा सर अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करनी चाहिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हम जो पढ़ाए हुए हैं उससे आपका आंसर नहीं बनेगा आपका अपना सेल्फ का जो नॉलेज है उस पर आपका क्वेश्चन बनेगा मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा छात्र चिंतन में मदद करेगा कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी अब देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं जिसमें चार रहेगा वो गलत होगा एक ट्रिक बता रहे हैं आपको जिसमें चार रहेगा वो गलत होगा इस तरह का थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको और इसको इतना ये सब कुछ टिक जानिएगा ना तो वो आगे बढ़ जाए हाँ कहने का मतलब कहने का मतलब एक बदमाश है बदमाश है उसको हम हटा दिए तो पूरा ग्रुप साफ हो गया मतलब स्वच्छ हो गया तो इस तरह से जो प्रैक्टिस होता है ना डिस्कशन होता है ना बिफोर टीचर तो इस तरह का आइडिया डेवलप होता है हमने कहा कि रुक जाइए इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि एक शिक्षक के एटीट्यूड में कौन सी विधि छात्रों को ऊंचतम अंक कभी भी अंक की चर्चा नहीं होती है आ अंक जिसमें लाएगा वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो देखते हैं अब इसी के चलते हमारा आंसर करीब कितने हम आ गए है ना तो ये इसके हम करीब आ गए यानी क्या कहता है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा और दूसरा विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका अगर हम कहेंगे तो अगर यही दिया होता ना तो सबसे बढ़िया होता तो हाँ जब बता रहे हैं आपको विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है अधिगम वक्र का मतलब उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे उनके इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे है ना उनके साइकोलॉजिकल स्टैंड को जानेंगे का पता लगाना क्या है कह रहा है स्पष्ट यहाँ पर देखिएगा अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक किन बातों पर किन बातों पर विचार करनी है न एटीट्यूड बोला ना मैंने तो अब बताइए अगर जो हम इसको शामिल कर देते हैं इसको शामिल कर देते हैं तो क्या कभी शिक्षक अधिकतम अंक उच्चतम अंक की चर्चा करता है सर्वांगीण विकास होता है अधिकतम उच्चतम अंक नहीं होता है तो 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 क्या तो तो देखो हो सकता है ऑप्शन नंबर तीन सही होगा लेकिन एक आ गया है ना हाँ ये ये सही है मैं कह रहा हूँ तो हाँ ये सही है ये जहाँ रहेगा वो सही होगा ये भी एक तरीका है ये जहाँ रहेगा वो सही होगा लेकिन एक और बात है ये जहाँ रहेगा वो नहीं होगा बिल्कुल सही है तो यही तो डिलेमा है यही तो सोच है किसको आप सिलेक्ट करते हैं है ना अगर हम जोड़ते हैं दूसरा बिल्कुल सही है क्योंकि दूसरा को हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि सही होगा और तीसरे को हम लेते हैं लेकिन चौथा को कहाँ लेते हैं तो चौथा के चलते हमारा ऑप्शन गलत हो गया दो पक्ष है कि तीन जहाँ रहेगा वही सही होगा तीन जहाँ रहेगा वो सही होगा लेकिन चार जहाँ रहेगा वो गलत होगा ऑप्शन सिक्वेंस भी गलत हो जाएगा तो इफेक्टिव ज्यादा वो इससे हो जाता है ये सब चैप्टर पढ़ाए हुए नहीं है, है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो विश्वकर्मा पूजा के चलते सिस्टम लोग पर थोड़ा उतना नहीं हुआ नहीं तो हम हार्ड कॉपी में बनाते तो वो बेहतर होता अगले, अगले सप्ताह में हम क्या करेंगे ना इसको ज्यादातर ऐसे करेंगे ही समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यू का आरक्षण हटाओ इसको इसको हटा दीजिए लगता है कभी ई नहीं आरक्षण शब्द का प्रयोग जहां आ गया शिक्षा से आरक्षण हटा दीजिए बस सरकार देती वो बात अलग है लेकिन अधिगम में इसको हटा दीजिए दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए अब देखिए नहीं नहीं विशेष तो अलग है यही लग गया काफ़ी है है ना? केवल अंग्रेजी भाषा इनको भी हटा दीजिए अब देखिए आप आपके अंदर कुछ शब्दों को पहचानने की योग्यता अगर विकसित हो जाती है है ना? अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हर जगह निगेटिव होगा ऐसा भी नहीं है है ना? केवल हर जगह निगेटिव ही होगा है ना? केवल माता से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है है ना? तो, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हर जगह नहीं पहचानी है तो हमने पहचान लिया अब हम किसी पर विचार नहीं करेंगे यानी चौथा पर हम विचार नहीं करेंगे योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए हम इसको पढ़े नहीं हैं हम इसको पढ़े नहीं हैं लेकिन हमने हटाने के आधार पर हमने अपना आंसर क्या क्या किसका सही है और तो इसी को हम आंसर माने ना हाँ अब देखो पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए हाँ बिल्कुल सही है है ना ये कह रहे हैं कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों अपनाने चाहिए बात सही है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अब देखिए ये क्या हुआ पाठ्य सामग्री आ इनकी आवश्यकता यहाँ पर मिल रही है है ना हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए आप विभिन्न तरीके अपनाते हैं किसको उनके अनुकूल बनाने के लिए अब हम कहेंगे कि पहला दूसरा दोनों सही पहला दूसरे की व्याख्या करता है अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए है ना तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन की स्थिति क्या है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही आर सही व्याख्या करता है एक ही सही बात है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है देखिए यहाँ तक सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है ये गलत है ए सही है ई तो बिल्कुल गलत है और ए और आर दोनों गलत है बिल्कुल गलत है एब्सोल्युटली गलत है गलत है गलत है सही है अच्छा। एक बच्ची निरंतर कठिनाई का सामना करती है उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है यह लक्षण किस अधिगम की विकार की ओर इशारा करता है बताने वाला बात नहीं है आप लोग पढ़े होंगे देखिए अच्छा एलेक्सिया क्या होता है हाँ गणना करना अच्छा एलेक्सिया जब गणना करना होता है तो बताओ कि कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया क्या होता है अगर हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, तो क्या कहोगे गणना करना और एलेक्सिया आँ? और एफ्रेजिया क्या होता है तो लिखना होगा तो डिस्ग्राफिया क्या होगा अच्छा आँ? डिसमेंट्रिलिया क्या होगा चोट होता है आघात होता है है ना वही हम लिखे हुए हैं अलग अलग इसलिए तुम लोगों से पूछा है ना इनका ये सेंस क्या होता है क्या आ गया है? हाँ लिखवा देंगे ये पढ़ाने लगेंगे तो लिखवा देंगे देखो एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है यह लक्षण किस अधिगम की ओर है ना? अगर कहते हैं कि एक लड़की निरंतर कठिनाई का सामना किसमें अक्षर बनाने में किस में? अक्ष अक्षर बनाने में मतलब पढ़ नहीं रही है ना पढ़ नहीं रही है ना चलो ठीक है अंतराल करने है तो होगा होगा अब दो बच गया क्योंकि दो शब्दों के बीच में गैप है ना अगर हम दो शब्द लिख रहे हैं आम की लकड़ी अब इसी में हम जोड़ देते हैं दोनों को है ना तो अब हम क्या हो जाएगा ध्यान एवं अति सक्रियता विकार है ना मौर्फिया जिसको कहते हैं आलेख जो होगा ना ये मेरे ख्याल से ये अगर होगा तो सही होगा क्योंकि एडजस्ट करने में सक्षम नहीं हो पाती है ये टीचिंग एटीट्यूड का क्वेश्चन है अब देखिए क्या कह रहा है विद्यार्थी मानवीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए इसको पहले हटाओ अब देखो दिमाग तुम लोग दूसरे तरीके से लगा रहे हो क्वेश्चन क्या कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चा में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक दूसरे में भिन्नता है और इस भिन्नता को मेंटेन करना है तो अब क्या करोगे मानवकीर्त पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करोगे जो मैनुअल होगा आर्टिफिशियल नहीं होगा उसका उपयोग कीजिएगा और शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए देखिए दो बात दोनों सही है बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अब कहता है कि मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए है ना अब कहता है यहाँ पर आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए शिक्षा शास्त्र के उपागम और मूल्यांकन ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेस करता है और ये इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा शास्त्रीय उपागम मतलब हो जाता है पेडेगॉगियल डिवाइस या टूल्स है ना यहाँ पर कहता है कि केवल मानवीय होना चाहिए आकलन और मूल्यांकन के विविधि तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर सटीक होता है टूल्स हुआ एडवाइस हुआ अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाँ अब सारी चिंतन आवेगशीलता सोच में केंद्रित करता और अभिसारी चिंतन हम कहेंगे अगर आप पढ़े होइएगा तो कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है आप आवेगशीलता सोच में करता केंद्रीय करता है ना बोलो जी एक हो, सुनो एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसको पहले हटा दो हाना? है ना अंट्रलाइज थिंकिंग ना सेंट्रलाइज थिंकिंग अगर सेंट्रलाइज थिंकिंग करते हो इसको भी हटा दो एक होता है अपसारी और दूसरा होता है अविशारी एक कन्वर्जेंट होता है एक डाइवर्जेंट हो जाता है है ना तो अपसारी और अविशारी जो बच्चा सृजनशील होता है वो कैसा चिंतन करता है अपसारी करता है हो अपसारी करता है अपसारी मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा और जो डाइवर्जेंट होगा वो अविशारी हो जाएगा है ना अलग अलग तरीकों से वो सोचता है है ना तो अगर ये इसका आंसर सेंट्रलाइज कब हो जाता इंटेलिजेंट बच्चे के बारे में कहता सोच सेंट्रलाइज हो जाता था दैट मीन्स इसका वो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो इसलिए अगर यहाँ आएगा तो वो ज्यादा सही हो जाएगा देखिए हाँ अब अब थोड़ा सा इस पर हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन होता है ना अलग अलग प्रीवियस में होता है अलग अलग तो इस बात को हम कह सकते हैं कि उसमें आंसर जो होता है ना ये किसी में कुछ और होता है किसी में कुछ और होता है तो उस पर हम विचार नहीं करेंगे हमारा जो जो तार्किक आंसर होगा, उस पर हम फोकस ज्यादा करेंगे छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं सक्रिय अन्वेषण के द्वारा खेल के द्वारा पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता के द्वारा छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना का और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं सक्रिय अन्वेषण बिल्कुल सही है खेलकूद द्वारा सही है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा सही है सहपाठियों और व्यस्को संग सौभाग्यता के द्वारा सही है तो देखिए थोड़ा सा अगर हम कहते हैं पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा है ना ये थोड़ी सी अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें तीन बिल्कुल नहीं है, है ना अगर तीन किसी में नहीं होता तो हम कहते कि वो बिल्कुल उपयुक्त तो प्रश्न है उत्तर है है ना अब हम इसको क्या करेंगे ये सही होता है है ना हाँ क्योंकि पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग है ना अक्सर सभी बच्चे नहीं करते हैं सही बच्चे नहीं करते अगर होता तो वो सही मानते करके सीखते तो ऐसा नहीं है कि पदार्थों पर प्रयोग क्रिया ही करते हैं है ना हाँ लैब लैब थोड़े होता है उनके लिए मतलब कि क्रिया अब जैसे गिली मिट्टी से बच्चा खेल रहा है गिली मिट्टी से खेल रहा है उसका रूप परिवर्तित कर रहा है एक बच्चा है कि उसका प्रयोग कोई नहीं करता दूसरा है कि प्रयोग कुछ ज़्यादा कर देता है सभी बच्चों पर लागू नहीं होता इसलिए मैंने कहा इसलिए मैंने कहा कि अगर तीसरा का होगा तो नहीं होगा इसमें इसलिए हमने इसको ही किया एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के दस अंकों को तीन चार अंकों के समूह में बांट कर याद करवाना सुझाती अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या क्या कहलाती है बोलिए तो इसको है क्या होता है खंडीकरण है अच्छा कुट लेखन का मतलब क्या होता है कुट मतलब कोड में है ना और एक होता है स्वांगीकरण स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है इमेजिनेशन और एक होता है अनुकूलन तो अनुकूलन तो इसमें होगा नहीं है ना <laughs> श... श... शब्दों का अनुकूलन तो होगा नहीं है ना कुट लेखन स्वांगीकरण थोड़ा सा कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये मिलता है आंसर आप लोगों को मिल गया स्वांगीकरण मतलब इमेजिन कर लेता है बच्चा रटता नहीं है जैसे कि जो बच्चा कहने का मतलब लिख नहीं पाता है ना उसका दिमाग कुछ उस रटने के मामले में तेज चलता है है ना जो बच्चा वो बोलिएगा तो वो रट लेता है जॉनी जॉनी यस पापा इटिंग शुगर नो पापा पेज पलट रहा है और पूरा पोयम बोल रहा है पूछोगे कि पोयम कहाँ है तो वो खोज रहा है क से कमल ख से खरगोश ग से गमला पढ़ रहा है और पूछोगे गमला कहाँ लिखा हुआ है हाँ तो उसको पता नहीं है दैट मीन्स इमेजिनेशन है उस बच्चा का तो तो उसको हम क्या कहते हैं वो स्वांगीकरण करता है वहाँ स्वांग करता है, है ना तो किसी किसी बुक में ये मिलता है है ना बट ये तो हो नहीं सकता है है ना कूट लेखन जो जैसे कि कूट लेखन बोलते हैं ना हम हाँ जैसे कि अगर डे को हम है ना लीफ बोलते हैं लीफ को अगर हम पेपर बोलते हैं तो पेन को हम क्या बोलेंगे उसके सब्स्यूट के तौर पर ये तो असंभव है इसलिए अगर इसको हम कहेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है है ना अगर कहते हैं कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन सुन लीजिए इसको हटाइए दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण इसको भी हटाइए अब देखिए कहता है कि अधिगम की कौन सी दशा सबसे अधिक बल देना चाहिए है ना? अब उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलेशन जो इंटरेक्शन जो होता है ना, आर एस जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्स और स्टिमुलेशन उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंध कर देना व्यवहार का अनुबंध जैसे बोलते हैं ना, क्लास में इंटर किया गुड मॉर्निंग सर रटा रटा एवर्ड अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप मेल बैठे हुए टीचर ना सर जी हैं तो बोलेगा कि कर, कर, कर के लाना है यस मैम मतलब क्या है वो, वो स्टिमुलेशन उसका उसी के साथ है रटाया हुआ है चूँकि मैम के साथ ज़्यादा पढ़ता है वो आप बोलेगा कि हाँ ऐसा काम हो जाएगा यस मैम सामने सर है तो मुंह अपना बंद करता है नहीं नहीं सर सॉरी सर मतलब वो मैम के साथ अनुबंधित है अनुबंधित दैट मीन्स एसोसिएट है तो ये कहता है कि उसके साथ तो बात सही है लेकिन यहीं पर कहता है हम आपको पढ़ाए हुए हैं परिवेश से सहभागिता अभी जो जिस मौसम में जैसा पौधा होता है जैसा ये होता है उसके साथ बच्चा अगर अनुकूलित है तो वो ज़्यादा होगा और फिर कौशल और ज्ञान का अर्जन अगर करता है तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर आपका हो जाएगा आंसर ए कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है हाँ थोड़ा सा लंबा है इसको इधर से आकर पढ़ते हैं शलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है सही है परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक है पढ़ते हैं उन नियमित रूप से पुस्तक परिपर्च नए शब्द सुनने संगतों को, को इस्तेमाल करते हैं रेखा अपने विद्यार्थियों को पाँच बार लिखने के लिए देती है और वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा युग सामाजिक संरचनात्मक उपागम से अनुसार छात्रों को क्या कह रहा है सामाजिक संरचनात्मक उपागम सोशल स्ट्रक्चरल डिवाइस इसको कहेंगे सोशल स्ट्रक्चर डिवाइस मतलब कि फैमिलियर वे में बच्चों को पढ़ाना है, है ना सुसाध्य है शलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है और उसके सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है बात सही है लेकिन थोड़ा, थोड़ा सा ये जो लग गया ना टॉफ़ी देकर इसका वैल्यू कम कर दिया सही बात है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू कम होता है परामित परामी विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है सही बात है अरुण धरती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है जिसे नए शब्द को अर्थ समझाने के लिए फिर क्या करती है संदर्भ संबंधित मतलब शिनोनिम्स वर्ड का शिनोनिम संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है सही बात है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्द को पांच बार लिखने के लिए देती है वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं ये एब्सुलूटली राइट right है एब्सुलूटली राइट right. अब ये कहाँ है ये देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ये जो वर्ड है ना बिल्कुल सही है देखिए क्या कहता है सामाजिक सरात्मक उपागम है ना कैसे सुन सुन लो पहले जैसे कि ये नियम है बचपन में हम लोग भी गुजरे हुए हैं अगर कोई गलत शब्द लिख दिया तो उसको गुरु जी सर्कल कर देते थे पाँच बार इसको लिख दो तो? है ना पाँच बार लिख दिया तो दैट मीन्स कि वो ज्ञान हो गया उसका तो क्या कहते हैं रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को पांच बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं है ना तो अब ये सही हो गया अब कहाँ ये आ रहा है चार सुन लीजिए गलत नहीं किए हुए हैं उसका वैल्यू कम किए हुए हैं सलमा नए शब्द के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है सही उत्तर के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है सही हो गया एक और तीन हाँ, ये 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 भी सही है दो और तीन लेकिन चूंकि एक शामिल हो गया है ना इसके चलते दो और तीन और एक और तीन लेकिन ये 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 चूंकि इसके चलते थोड़ा सा ये हो जाता है दो और तीन एक और दो एक और दो दो बार हो जाता है पढ़ने के लिए शब्दों का संबंधित पुस्तकों का निर्माण किसमें है टॉफी नहीं ये टॉफ़ी के कारण कम हो गया टॉफी देकर पुरस्कृत करना ऐसा कोई विशेष उपागम नहीं है है ना ध्यान रखिएगा किसी वस्तु को देना प्रदान करना अगर टॉफी नहीं देते हैं बच्चों को गुड बोलते हैं थैंक्स बोलते हैं कीप इट अप बोलते हैं तो उससे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है हाँ उजा बच्चे ज़्यादा उसे ऑप्शन नंबर सी हाँ यस हाँ नहीं नहीं संदर्भ संबंधित संकेतों के, के उसे रेफरेंस देती है सिनोनिम्स का प्रयोग करती है पाठ पुस्तक के रेफरेंस में वो बोलती है और जैसे कि अब कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल रुक जाइए समझा देते हैं बाबा भारती और खडक सिंह के कहानी के आधार पर एक कहानी लिखो है ना? है ना गांधी जी के मूर्ख तीन बंदर इसके आधार पर कोई कहानी लिखो है ना ऊंट और सियार की कहानी पर आधारित कोई कहानी लिखो है ना बंदर और बिल्ली के आधार पर कोई कहानी लिखो ये क्या हुआ संदर्भित हो गया उसको संदर्भ देकर तो संदर्भित हमेशा पॉजिटिव होता है संदर्भित जो होता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है सी ज़्यादा बेहतर होगा अब देखो ये 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 बता रहे हैं ये बता रहे हैं ये इस तरह का प्रश्न एटीट्यूड आपके एप्टीट्यूड का होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है इसमें ये ज़्यादा होता है ये कम हो गया हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है लेकिन ये इसके चलते चाल, हमने इसको हटा दिया क्योंकि पांच बार लिखना ये सही है, लिखना सही है। र, नहीं नहीं रटना गलत है लिखना सही है लिखना सही है ध्यान रखिएगा हाँ लिखना व्यवहारिक ना हो गया प्रैक्टिकल हो गया अब देखिए ये ये नेक्स्ट ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड है अब हटाइए इसको इसको भी हटा दिए समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर और समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर अब देखिए क्या कहता है होने के नाते आप छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं समस्या समाधान अक्सर विद्यार्थी है ना वो झूठ बोलता है अक्सर विद्यार्थी है ना वर्तनी की अशुद्धता करता है अक्सर विद्यार्थी पढ़ने से जी सुराता है अक्सर विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं लाता है अक्सर विद्यार्थी मतलब घर के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये क्या है समस्या है अब उसको सुसाध्य आप शिक्षक के रूप में कैसे करेंगे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समरूपों के इस्तेमाल का बढ़ावा मतलब क्या होता है वैसा एग्जाम्पल देकर वैसा एग्जाम्पल देकर या उसके लिए वैसा प्रमोशन देकर अब कहते हैं कि समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर अब देखिए दोनों बातें सही है दोनों बातें सही है लेकिन थोड़ा सा जो कहा कह रहा है ना कि अटल तरीके अकाट्य तरीके है ना अटल तरीके जो कि तो जो बच्चों पर जो अटल होता है जो फिक्स होता है वो लागू नहीं होता है किसी किसी बुक में इस क्वेश्चन को हमने देखा है कि किसी किसी बुक में ये कौन सा आंसर है ना अटल तरीकों को फिक्स जो होते हैं लेकिन बच्चों पर ऐसा जो होता है ना जो इस तरीका जो फिक्स मैनर होता है जो बोलते हैं ना ज्यादा जो दृढ़ होता है उसका पालन नहीं होता है क्योंकि वो सॉफ्ट इंडिवियर होते हैं तो समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर अगर कहेंगे तो ये इसका आंसर ज्यादा सही होगा कौन सा सार्थक अधिगम को सुशाध अब देखिए सार्थक अधिगम सार्थक अधिगम का मतलब क्या होता है मतलब बच्चों के लिए जो मीनिंगफुल होता है बच्चों के लिए जो ज्यादा ये होता है अब बताइए एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है अगर आप इस तरह हटाइए इसको अब बाकी हम बिचारे नहीं करेंगे है ना? तो देखिए आंसर को खोजने का ये भी एक तरीका है हटाते जाइए कभी झाड़ू लगाते जाइए कचरा अपने आप हाँ को में लग जाएगा है ना? अब देखिए यहाँ पर हम आए तो आंसर यही मिला कि नहीं मिला नहीं <laughs> करने का मतलब है क्या करना है नहीं क्या नहीं करना है जान जाइए क्या नहीं करना है जान जाइए क्या करना है पता चल जाएगा जल्दीबाजी नहीं तो इसमें गलती होती है ये छोटा दिखता है लेकिन एग्जाम का ये होता है ये समझ में नहीं आता है उत्कंठा दैट मीन्स क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं देखो कत अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता मतलब कि सक्सेस हो गया बच्चा आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न कहने का मतलब अगर बच्चा प्रदर्शन अच्छा कर रहा है तो ऐसा ऐसा कै ऐसा कैसा कर ऐसा कैसे कर रहे हो तो बोलेगा कि सर जी हम सुबह में जगते हैं हम चार बजे जगते हैं हम चार बजे जगते हैं हम होमवर्क पूरा करते हैं हम ऐसा कोई झूठ नहीं बोलते हैं ऐसे बच्चा कर रहा है तो क्या होगी ई होगा जी ये भी नहीं ना होगा है ना अब देखो कहते हैं उत्कंठा की भावना उत्पन्न होगी दो दो शब्द आ गया आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कार्य की सफलता को अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों जो उसका पर्सनल मैटर है आरोपित करता है तो उनमें की भावना उत्पन्न होगी गर्व और उत्कंठा हाँ नहीं यही होगा यही होगा हाँ तो जैसे कि अगर कहिएगा तो आरोपित करते हैं तो उनमें उत्कंठा की भावना उत्कंठा दैट मीन्स क्यूरियोसिटी की भावना चूंकि वो, वो उनसे ना पूछा जा रहा है विद्यार्थी वो ना है है ना तो क्यूरियोसिटी मतलब उत्कंठा मतलब जानने की इच्छा होती है तो जानने की इच्छा नहीं ना होगी वो फील प्राउड करेगा कि हम अपने चलते हमारे सेल्फ के प्रैक्टिस से हम सफल हुए हाँ तो जिज्ञासा जिज्ञासा कैसे हो जाएगा सफल हुआ तो फिर जिज्ञासा होगा सफल होगा तो जिज्ञासा नहीं ना होगा सेम होता है, होता है।, है। हाँ के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए अब देखिएगा बहुसंवेदीय उपागम मतलब बा, मन, मल्टी मेडियम्स टूल्स अब देखिए यहां पर कहता है कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है है ना? और यह बच्चों में अज्ञापरायण पैदा करता है अगर प्रोत्साहित करना चाहिए प्राथमिक कर स्तर पर तो ध्यान रखिए कह रहा है प्राथमिक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बना देता है अध्यापक की निर्देश अवधि को काफ़ी कम समय बताता है सही है और यह बच्चों में अज्ञापरायण पैदा करता है बहु संवेदित का मतलब अज्ञापरायण से कोई मतलब नहीं है सेंटेंस सही है लेकिन क्वेश्चन के साथ इसका रिलेशन नहीं है अब कहिएगा यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बना देता है अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है है ना? तो प्राइमरी लेवल पर जो होता है ना बच्चों के निर्देश से कुछ ख़ास ये बिल्कुल सही है निर्देश से ऐसा कुछ ख़ास सही प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है है ना? प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं और प्रैक्ट समय ज़्यादा हो गया क्या हो सात पैंतीस सात बाईस हो गया हो ज़्यादा समय ले लिए हम लोग क्लास है का साठ को क्वेश्चन है जी लेकिन नहीं हो गए अच्छा सुनो तुम लोग क्या बोलते हैं पी डी रखे रहोगे पर रोज़ लास्ट में इसको डिस्कशन करवा देंगे है ना आसानी शनिवार तक दो दस क्वेश्चन नहीं होगा पांच को करवा देंगे तो देखो ये निर्देश अवधि जो होगा ना ऐसे नहीं होगा बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है तो अधिक प्रभावशाली अगर होगा तो ये सबसे बढ़िया होगा समय से मतलब बच्चा में नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखिएगा हाँ देखो कौन सा सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए अब देखो बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक ये बच्चों में पॉजिटिव होता है और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए है ना? ऐसा हतोत्साहित करना चाहिए सख्त रूप से नहीं करना चाहिए बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक होता है ये बात सही है है ना ये बात लेकिन क्या कह रहा है कथन सही नहीं है है ना अच्छा एक अध्यापिका के रूप में इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है ये बात सही है है ना और वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती है बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ को दर्शाती है बिल्कुल इसमें ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है कहती है कि हतोत्साहित करना चाहिए गलत है आ, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है ध्यान रखोगे कौन सा परिप्रेक्ष परिप्रेक्ष मतलब रेफरेंस एग्जाम्पल ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है मानवतावादी व्यवहारात्मक संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक क्या होना चाहिए ठोस कह रहा है नहीं देखो ऐ जब यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया ना और पुरस्कार तो ये हमेशा क्या होता है संज्ञान तो होता नहीं है ये ह्यूमेनिटे बेस में थोड़ा थोड़ा होता है असामाजिक सांस्कृतिक तो परिवेश का होता है प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकली बच्चा को प्रैक्टिकली हमने प्रमोट किया हो गया तो नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन जो है ना आज पहला था कुछ आइडिया हमको नहीं था इसका है ना इसका आइडिया मतलब समय का और स्पीड का इसलिए है न एक सेट और बाकी है तो नेक्स्ट अगले दिन कर देंगे ऐ